बस सर बताइए क्या कैरी करेंगे, बाय या सेल? बाय बाय, बिल्कुल गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और स्टॉक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेड करे 2423 पर, 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, 2423 पर, 2413 पर स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट होंगे 2440 टू 2450, ये एक जोन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जाना चाहिए। एचयूएल बाय। ओके एक्चुअल बाय है, वाकई आज सबसे अगर आप देखें बेहतरीन टेक्निकल सेटअप जिस स्टॉक का था एट लोअर एजेस वो था एक्चुअल। अब चलते हैं मानस के पास, मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए एयू बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। एयू बैंक का मार्च का फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मार्च के फ्यूचर में एयू बैंक की आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉसेज 584 के ऊपर रहेंगे तो करीब करीब 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन नीचे की तरफ 550 तक के टारगेट एयू बैंक के मार्च के फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेल कॉल है एयू बैंक के मार्च के फ्यूचर में। तो ए स्मॉल में एक सेल साइड का ट्रेड इस समय आता हुआ। राजेश सातपुते आपका ट्रेड? अच्छा तो जी देखिए मैं सेल के साथ जाऊंगा, कैनफिन होम फाइनेंस को बेचे। यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है, 780 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन था। ये कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन के बाद अगर टूटता है तो थोड़ी सेलिंग बढ़ती है। तो कैनफिन होम फाइनेंस बेचे, स्टॉप लॉस होगा इसका 780 का और जो इमीडिएट पहला टारगेट होगा वो रहेगा 740 का। 740 टूटता है तो फिर 720 तक की जगह खुलेगी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है कैनफिन होम फाइनेंस में। कैनफिन होम्स में ब्रेकडाउन हुआ है तो एक एसटीबीटी यहाँ पर आप लेकर जाएं। ये हो गए राजेश जी के पिक। चंदन आप क्या कैरी करेंगे, बाय या सेल? देखिए मैं सेल साइड में कोटक बैंक को कैरी करूंगा क्योंकि सिलेक्टिव बैंक से वो काफी वीक हो चुके हैं, चाहे एयू बैंक की बात करें या फिर इंडसइंड बैंक की बात करें। तो कोटक बैंक में बिकवाली की सलाह रखेंगे। यहाँ पे 1710 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 1620 के डाउनसाइड के टारगेट। ओके तो कोटक में भी एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड। तो सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो मंदी की तरफ ही आइडेंटिफाई हुए। अमित आपका पिक? जी मैम मैं यूपीएल को शॉर्ट करूंगा। यूपीएल वैसे भी एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली रहा है इस बुल मार्केट में। रिसेंटली जो यूपीएल में पुल बैक आया था उसने 10 और 20 डेमा पे होल्ड किया और वहीं से वापस हम एक करेक्शन देख रहे हैं। आज के 17वें स्टॉक ने अपना वापस 10 डेमा कन्विंसिंगली लूज कर लिया है। तो यूपीएल में शॉर्ट रहेगा, 475 का प्राइस है, 480 का स्टॉप लॉस एंड 465 के टारगेट्स के लिए यूपीएल। ओके चलिए यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गए एंड फाइनली ये क्लोज 20 डेमा के नीचे आता हुआ।